आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन पर OTP नहीं आ रहा है तो इसे ठीक कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आकर यहाँ पर आएगा ऐप्स, ऐप्स पे क्लिक करिए। उसके बाद मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे आइए और नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसेजेस आएगा, आपके फ़ोन का मैसेजिंग ऐप, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे ओके करिए। अब ऊपर आएगा स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज यूसेज के नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद नीचे क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल डेटा करिए यहाँ पे, उसके बाद ओके करिए। अब बैक आइए और यहाँ पे आने के बाद आएगा ऐप परमिशन, नीचे ऐप परमिशन पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा अलाउड, नीचे नॉट अलाउड आएगा, नॉट अलाउड में आएगा फ़ोन, इस पर क्लिक करिए। अलाउ पे क्लिक करिए, बैक आइए। अगर SMS की परमिशन ऑन नहीं है तो इस पर क्लिक करिए, अलाउ पे क्लिक करिए और बैक आइए। तो यहाँ पे SMS की परमिशन ज़रूर से चालू करने के बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए। और बैक आने के बाद ऊपर सेटिंग में आएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा SIM 1 SIM 2, तो जिस सिम पर आपका OTP नहीं आ रहा है उस सिम कार्ड पे क्लिक करिए, जैसे कि हम SIM 1 पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे मोबाइल नेटवर्क आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क आएगा, अगर आपका ये चालू है तो इसे बंद करिए। इसे बंद करने के बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करिए, उसके बाद ओके करिए। अब ये सर्च हो रहा है तो वेट करिए। अब जब ये ऑटोमेटिकली नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद इसे चालू करिए। उसके बाद आप बैक आ सकते हैं। अब अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिए। फ़्लाइट मोड ऑन करने के बाद इसे बंद करिए। उसके बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। उसके बाद चेक करिए, अब आपके फ़ोन पर OTP आ जाएगा, यानी कि OTP रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।